के तुझको दिल डोला है गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉ पर दोस्तों मैं ये बुक क्यों दिखा रहा हूं ऐसे नहीं आज बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं इस बुक में ना ये हमारा मैथ का बुक है अंक गणित इसमें ना तीन पेज है यहां इसके बाद तो मॉडल सेट है इसमें पेज नहीं लिखा है तो तीन सॉरी तीन सौ चौरानवे तीन सौ चौरानवे पेज है तो आप मुझे ये बताइए कि ये तीन सौ चौरानबे तक अंक इस पर छापने में संख्या छापने में इसका जब प्रिंटिंग किया गया होगा तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हो गया होगा सवाल आपका यही बनता है और आज आप बेहतरीन चीज वाले हैं दोस्तों। जरा सोचिए कि सोचिएबे लास्ट का पेज तीन सौ चौरानवे है ये पेज पर जो नंबर अंकित है लास्ट में वो तीन सौ चौरानवे यानी तीन सौ चौरानवे पेज की बुक है बात है समझ में तो इस बुक में कितने डिजिट यूज हुए होंगे तीन सौ चौरानवे तक लिखने में ये पेज को लिखने में कितने अंक जैसे सोचिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अगर मान लीजिए बारह तक में ही मैं पूछ लूं कि कितने अंक का यूज हुआ बारह तक लिखने में कितने अंक का यूज हुआ तो आप कहेंगे सर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ दस नहीं नौ तक तो नौ अंक का यूज हुआ एक एक अंक का है यह संख्या नौ तक नौ अंक लेकिन ई दसवा अंक ई ग्यारहमा अंक हुआ ई अंक बारह हुआ ई अंक तेरह हुआ ई अंक चौदह हुआ ई अंक पंद्रह हुआ जी यानी पंद्रह अंक का इस्तेमाल हो गया बारह तक लिखने में दोस्तों पंद्रह अंक का इस्तेमाल हो गया कहां तक लिखने में बारह तक लिखे तो पंद्रह अंक का यूज हो गया एक से नौ तक नौ अंक इसमें दो अंक है तो नौ दो ग्यारह फिर दो अंक ग्यारह दू तेरह तेरह दू पंद्रह पंद्रह गो अंक का इस्तेमाल हुआ तो बताइए तीन सौ चौरानवे पेज की पुस्तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज आपको इस बेसिक गणित में मैं इसी के बारे में समझाने वाला हूं तो भागिएगा नहीं अगर वीडियो छोड़ के भागिएगा तब पछताइएगा इसीलिए डटे रहिए बने रहिए आज के बाद पूरी जिंदगी में कभी आप परेशान नहीं होंगे इस चीजों से तो सबसे पहली बात दोस्तों एक अंक की संख्या एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ तक यानी कि नौ गो होता है अगर मैं कहूं एक अंक की संख्या कितनी होती है एक अंक की संख्या कितनी होती है आप कहेंगे नौ गो मैं कहूंगा कि दो अंक की संख्या कितनी होती है दो अंक की संख्या तो क्या आप लिख पाएंगे दो अंक की संख्या कितनी होती है आप बता पाएंगे दो अंक की संख्या होता है दस से लेकर निन्यानवे तक दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह निन्यानवे तक तो अगर आपसे कहूं दस से लेकर निन्यानवे तक कितनी संख्या है तो कई तरीका इसको निकालने का है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो देखो खतरनाक तरीका अगर कोई पूछे दो अंक की संख्या कितनी है तो एक बार नौ लिखिए फिर एक जीरो लगा के दो अंक में बना लीजिए ये दो अंकों की संख्या टोटल नब्बे गो है यानी दस से लेकर निन्यानवे तक जाइएगा ना नब्बे गो संख्या होगा अगर कोई आपसे पूछे कि तीन अंक की संख्या तीन अंक की संख्या कितनी है तो एक नौ लिखिए एक नौ लिखिए और उसके बाद दे दीजिए दो जीरो क्योंकि तीन अंक हो गया अब ये तो तीन अंक की संख्या 900 है दो अंक की संख्या 90 है एक अंक की संख्या 9 है दोस्तों अगर कोई आपसे कह दे कि चार अंकों की कितनी संख्याएं हैं चार अंक वाली कितनी संख्या है आप क्या कहेंगे एक नौ देंगे और उस पर तीन जीरो बैठाकर आप चार अंक की संख्या जो होगा नौ हजार होगा चार अंक वाली संख्या कितना होगा जी नौ हजार होगा पक्का अब देखो यह बात आपने समझ लिया तो बहुत जबरदस्त चीज आपने सीख लिया आपसे कोई कहे कि आठ अंक की कितनी संख्या होगी आठ अंक वाली कितनी संख्या होगी तो एगो नौ लिखना है या सात गो जीरो हो गया आठ अंक में हाँ। अब उसी तरह अगर कोई कहे पचास अंक की कितनी संख्या होगी ऐसे तो ये बात पूछने का किसी का हिम्मत नहीं है कि बात आपसे पूछ लेगा सुनिए कहे कि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पचास अंक की संख्या पूछा जाए तो एगो नौ होगा उस पर उनचास गो जीरो होगा पचास अंकों की इतनी संख्या हो जाएगी अब दोस्तों मैं केवल आपसे ये पूछू आपसे ये पूछूं कि दस से दस से निन्यानवे तक कितनी संख्या है दस से निन्यानवे तक कितनी संख्या है तो क्या आप बता पाएंगे मुझे दस ये सब क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ ले जा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए सब पढ़ाएंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा दस से लेकर निन्यानवे तक कितनी संख्या है एक और तरीका अभी आपने देखा दस से लेकर निन्यानवे तक दो अंक की संख्या होती है नब्बे को संख्या होगा एक तरीका है दोस्तों किसी भी सीरीज का फर्स्ट संख्या पता है लास्ट भी पता है और उसके बीच डिफरेंस पता है दस से लेकर निन्यानवे तक कितनी संख्या यानी दस ग्यारह बारह तेरह यही बात ना तो इसका तो यह भी तरीका है कि डिफरेंस अगर पता है डिफरेंस कितना का वन का तो एन निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस वन दोस्तों निन्यानवे में से दस घटाइए तो कितना हो जाएगा नवासी ऊपर में लास्ट में से फर्स्ट घटा दिए निन्यानवे में से दस घटाए नवासी डिफरेंस है वन तो वन से भाग दीजिए और प्लस वन नवासी में एक से भाग देंगे तो नवासी होगा और एक कितना हो गया नब्बे तो इस तरीके से भी जान गए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये जरूरी का चीज है लेकिन ऐसे हम आगे काम अभी नहीं करेंगे इसमें हम इसका भी शॉर्टकट जानते हैं हम वो शॉर्टकट चीज आपको बताएंगे लेकिन आगे कुछ सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे फॉर्मूले का देखिए एन निकालना हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस वन किसी भी सीरीज का एन निकाल सकते हो मतलब कितनी संख्या है? एन का मतलब नंबर है ना नंबर ऑफ टर्म पद आप ऐसे भी कर सकते हो इसका सीधा डिफरेंस निकालो नि, नवे और दस में डिफरेंस कितना का कहेंगे सर नवासी का तक लगा हुआ है तो तक वाला में कहे कि सौ से 99 तक कितनी संख्या है तो डिफरेंस प्लस वन संख्या यानी नवासी प्लस एक यानी चुपचाप कहेंगे कि नब्बे दस से लेकर 99 तक कितनी संख्या नब्बे गो संख्या पक्का अब कोई आपसे पूछे कि दस से लेकर 99 के बीच दस से निन्यानवे के बीच बीच आ गया जी बीच कितनी संख्या है कितनी संख्या है आप कहेंगे अच्छा ये बात पूछे सर डिफरेंस खाली बताना दीजिए दोनों में दस से लेकर निन्यानवे के बीच दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह करते करते दस से लेकर निन्यानवे के बीच यानी बाउंड्री छोड़ना है डिफरेंस पहले देखिए नवासी का हुआ जब बीच कहेगा ना बीच कहेगा तो इसमें जो संख्याएं होगी वो होगी डिफरेंस माइनस वन यानी नवासी में से एक घटा दीजिए अठासी आपको पता है दस से लेकर निन्यानवे तक था तो संख्या आया नब्बे गो और बीच होगा तब दोनों बाउंड्री हट जाएगा यानी नब्बे में से दो गो कम हो जाएगा तो अठासी वो संख्या होगा दोस्तों ये बात आया समझ में कितना जबरदस्त बात बताए हैं आपको सुनिए अगर आपसे कह दे कि दो सौ से 200 से 500 तक 500 तक कितनी संख्या है कितनी संख्या है 200 से 500 तक कितनी संख्या है आपको निकालना है डिफरेंस डिफरेंस कितना हुआ जी 300। आपको संख्या निकालना है देख लीजिए तक है कि बीच है तक कहेगा मतलब यहां लेके यानी एक बढ़ा लो इसमें डिफरेंस प्लस वन संख्या डिफरेंस प्लस वन यानी तीन सौ एक संख्या हो जाएगा दो सौ से पांच सौ तक टोटल संख्या कितनी हो जाएगी जी तीन सौ एक संख्या हो जाएगी अब दोस्तों मैटर हमारा ये था मैटर ये था मैं अगर कहूं पंद्रह तक लिखने में पंद्रह तक लिखने में कितने अंक का यूज होगा कितने अंक का प्रयोग होगा प्रयोग होगा आपको पता है डेली दो बजे ये क्लास आती है आपकी मैथ्स लव चैनल पर डेली दो बजे दोपहर में पंद्रह तक तो सोचना कि पंद्रह तक लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा एक से पंद्रह तक जाइएगा तो तो सबसे पहले सोचिएगा एक से नौ तक तो नौ गो अंक हुआ ये नौ गो अंक एक नौ गो संख्या एक एक, एक, एक अंक का है नौ संख्या एक एक, एक अंक का है तो नौ गुना एक नौ अंक हुआ प्लस पंद्रह में से नौ घटा लीजिए बच्चा छ गो पंद्रह में से नौ घटा दीजिए नौ गो संख्या छ गो बचा वो गो संख्या दू अंक का होगा तो ये नौ एक कम नौ दूना बारह बारह में से नौ घट बारह और नौ जुड़ जाएगा इक्कीस बारह नौ कितना इक्कीस यानी इक्कीस अंक का यूज हो जाएगा जब पंद्रह तक लिखेंगे आप देखिए पंद्रह तक आप लिखेंगे तो इक्कीस अंक का इस्तेमाल होगा कैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह तक लिख दिया अब देखते हैं कितने अंक का इस्तेमाल हुआ इसमें कितने अंक का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ तक नौ गो अंक हुआ इसमें दो अंक है दू ग्यारह एगारह दो तेरह तेरह दो पंद्रह पंद्रह दो सत्रह सत्रह दो उन्नीस उन्नीस आ दो इक्कीस इक्कीस अंक का प्रयोग हुआ जी इक्कीस अंक का प्रयोग हुआ पंद्रह तक लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ इक्कीस अंक का प्रयोग हुआ यानी पंद्रह पेज की कोई पुस्तक होती तो इक्कीस अंक लिखा जाता दोस्तों एक बात बताओ ऐसे भी लिख सकते थे कि एक अंक की संख्या नौ तक होता है नौ तक होता है एक अंक वाला तो नौ गुना एक नौ गो अंक टोटल अब पंद्रह में से ही नौ गो संख्या घटा दो बचा उधर छ गो संख्या देखो छो संख्या बचा एक दो तीन चार पांच छ छो संख्या दो दू अंक का है तो नौ एक कम नौ प्लस दूना बारह बारह नौ कितना होता है इक्कीस यानी इक्कीस अंक का प्रयोग हुआ सर अब देखो मैं अगर कहूं मैं अगर आपको कहूं कि जरा बताइए पचासी तक लिखने में कितने अंक का इस्तेमाल होगा लिखने में कितने अंक का इस्तेमाल होगा कितने अंक का प्रयोग होगा क्या आप बता पाएंगे कितने अंक का प्रयोग होगा आप कहेंगे जी सर मैं बता दूंगा चलो देखते हैं पचासी तक तो सोचना है कि शुरू का नौ गो संख्या नौ गो संख्या जो है एक एक अंक का है तो नौ गुना एक नौ अंक प्लस पचासी में से नौ घटा लीजिए दोस्तों अब पचासी में से नौ घटाइए पंद्रह में से नौ गया छिहत्तर यानी इसके बाद छिहत्तर गो संख्या जो है वो दो दो अंक का है छिहत्तर गो संख्या है जो दो दो अंक का है अब आ जाइए तो ये नौ एक कम नौ छू ना बारह सात दूना, बार, दूना चौदह एक पंद्रह अब बावन आ नौ कितना एकसठ यानी एक सौ एक सौ इकसठ अंक का इस्तेमाल होगा अगर आप पचासी तक की संख्या लिखते हैं तो आपको एक सौ इकसठ अंक का प्रयोग करना पड़ेगा पक्का अब आ जाइए अब जो हमारा सवाल था कि हमारे बुक में तीन सौ चौरानवे पेज था दोस्तों तो तीन सौ चौरानवे पेज है तो कितने अंकों का प्रयोग होगा लिखने में नहीं प्रिंट करने में तीन सौ चौरानवे पेज की बुक है पेज है उसमें तीन सौ चौरानवे अंकित किया गया है लास्ट का पेज तीन सौ चौरानवे अंकित किया गया टोटल कितने अंक का यूज हुआ होगा तो पहले नौ गो संख्या एक अंक का तो नौ गुना एक, नौ अंक। अब होता है दो अंकों की संख्या 99 तक तो ये नब्बे गो होता है दो अंक वाला संख्या कितनी तो एक नौ लिखना है एक जीरो दे देना है यानी कि दो अंकों की संख्या नब्बे गो होता है दस से लेकर निन्यानवे तक दो अंकों की संख्या है नब्बे गो तो नब्बे गो संख्या दो अंक का तो दो से गुना एक सौ अस्सी अंक ये हो गया प्लस अब आपको तीन अंक की संख्या में जाना है तो तीन अंक की सब संख्या नहीं ना लेना है तीन सौ चौरानबे तक यानी एक सौ से लेकर तीन सौ चौरानवे तक कितनी संख्याएं होगी ये बताइए तो सबसे पहले डिफरेंस निकालिएगा आएगा दूसौ चौरानबे तक वाला है इसका मतलब दो सौ चौरानवे प्लस एक संख्या दो सौ चौरानवे प्लस एक यानी कि दो सौ पंचानवे संख्या दोस्तों एक सौ से लेकर तीन सौ चौरानवे तक सिर्फ दो सौ पंचानवे संख्या होगा और ये दो सौ पंचानवे संख्या तीन तीन अंक का लिखा गया होगा यही बात है एक बार इस बात को समझ लीजिए क्योंकि नौ तक एक अंक की संख्या नौ गुना एक दस से लेकर निन्यानबे तक दो अंक की संख्या तो दो अंकों की संख्या नब्बे को होगा मैंने बोला है दो अंक की संख्या निकालना है तो एगो नौ लिखना है और उस पर एक जीरो दे के बना लेना है नब्बे को संख्या दो दू अंक का अब सौ से तीन सौ चौरानवे तक न जाना है नौ सौ निन्यानवे तक थोड़े जाना है तो तीन सौ चौरानवे तक तो सौ से तीन सौ चौरानवे तक कितनी संख्या तो पहले निकाले डिफरेंस डिफरेंस आया दो सौ चौरानवे का आ तक है यानी कि दो सौ पंचानवे संख्या दो सौ पंचानवे को संख्या होगा एक सौ से लेकर तीन सौ चौरानवे तक तो एक सौ से लेकर तीन सौ चौरानवे तक ये सब तीन अंक की संख्या है जो दो सौ को संख्या तीन अंक का तीन से गुना कर दिए टोटल अंक ये देखिए नौ अंक इसको नब्बे दूना एक सौ अस्सी लिख सकते हो एक सौ अस्सी आ इसको गुना करके लिख दीजिए पांच तियाई पंद्रह के पांच नौ तिया सत्ताईस एक अट्ठाइस के आठ हासिल दू तीन दुना छ आठ अब सबको जोड़िए नौ पाँच चौदह के चार हाँसी आठ आठ सोलह आ एक सत्रह के साथ हाँसीख आठ एक नौ आ एक दस यानी दस सौ चौहत्तर अंक का प्रयोग हुआ अंक का प्रयोग हुआ जी इस पुस्तक को लिखने में पुस्तक की छपाई में पेज नंबर खाली डालने में सिर्फ पेज नंबर डालने में दस सौ चौहत्तर अंक का प्रयोग हुआ दोस्तों क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो मुझे एक बात बताइए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं 250 पेज का बुक है तो 250 पेज का बुक ठीक ना लिखने में प्रिंट करने में या लिखने में लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ कितने अंक का प्रयोग हुआ यह क्वेश्चन आपके लिए रहा यह क्वेश्चन आपके लिए रहा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि 250 पेज का बुक लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ यानी पेज पर 250 तक अंकित होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पेज ऐसे लिखते लिखते लास्ट का जो होगा 250 कितना डिजिट का यूज हो गया होगा शुरू से अंत तक ये आपको बताना है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा हाँ और दो बजे डेली एकदम रहिएगा मैं डेली अपलोड कर देता हूं वीडियो थैंक यू वेस्ट ऑफ लक